सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि मुझे बुलाने के लिए, और जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं दिस इज इंटरेक्टिव, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, पहले मैं उनका डिस्कशन करना चाहूँगा, उसके बाद जो भी आप पूछेंगे। क्योंकि भाषण देने में कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल के चला जाऊँ, उसमें फ़ायदा नहीं है। पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जो हेल्थ मिनिस्ट्री हो सबके लिए, मेरे लिए फर्क नहीं, मैं कोई हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली सरकार के अस्पतालों का नहीं, सभी के लिए पूरा सिस्टम मेरा है, तो ये पूरा सिस्टम हमारा एक है। उसको मतलब डिस्टिंक्शन जो बहुत रिजिड हो गया है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो मिलके ही कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्राइवेट कर पाएगा या सिर्फ गवर्नमेंट कर पाएगा। अगर इस सिटी के अंदर सारा सिस्टम है, मतलब यहाँ पर तो इतना कॉम्प्लेक्स है, बट हम सबको इकट्ठा लेकर, वो क्या रहा है कि दिल्ली के अंदर डिमांड भी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई भी है, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, और दोनों के अंदर मिसमैच है। लोग इलाज कराना चाहते हैं उनको जगह नहीं मिलती, हॉस्पिटल इलाज करना चाहते हैं पेशेंट नहीं मिलते। तो सबसे पहले तो हमें स्केरसिटीज की बजाय अबंडेंस की तरफ जाने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल स्केरसिटी हमारे माइंड के अंदर है कि ये हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए उतना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरा मानना है जितना जितना पेशेंट हमारे पर लोड है उतना हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं अगर उसको थोड़ा सा इनोवेटिवली सोचा जाए। एक दो एग्जांपल दे सकता हूँ छोटे छोटे। एक बार मेरे पास एक MLA साहब आए हमारे, कहते सर जो उनके एरिया में अस्पताल बनता है वो जोगी कल्याण समिति के चेयरमैन भी हैं, कहते सर ये 5 डॉक्टर दे दिए अस्पताल नहीं चल रहा बिल्कुल भी। मैंने क्यों, क्या हो गया? कहते ये 5 डॉक्टर तो तुरंत चाहिए वरना अस्पताल नहीं चलेगा। मैंने आपको पता है हमारे इस अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं? कहते नहीं वो तो नहीं पता, पर इनके बिना 5 और डॉक्टर दे दो काम नहीं चलेगा। मैंने कहा आपके हॉस्पिटल में 550 डॉक्टर्स हैं फुल टाइम। तो उनको बहुत बड़ा शौक लगा कि 550, और 550 में अगर 5 है कम या ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर 30% लोग छुट्टी भी रहते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 150 डॉक्टर छुट्टी पे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट हार्डली मैटर्स कि 5 लोग ऐड कर दें ना कर दें। तो दरअसल हमारे को ना जो सालों से अभाव में जिए हैं हम लोग, हजारों सालों से अकाल पड़ा हमारे साथ, सब कुछ हुआ, तो हमारी आदत पड़ गई है कि सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हम ये नहीं कहते क्या है हमारे पास, वी नेवर अप्रिशिएट कि हमें क्या मिला है, हमारे पास क्या है। हमेशा हमें ये रहता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ तो सबसे पहले क्या होता है, सर यहाँ पर ना ये चीज़ नहीं है। तो मैंने भी किसने करना था ये आपका, कहते हमारा OT नहीं चल रहा, इसके अंदर एक मशीन नहीं है। मैंने थोड़ा खरीद लिया, ये आपकी की पावर है, आपने खरीदने से चलाना है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हम कोई भी एक बहाना लगा दें, कोई प्रॉब्लम लगा दें, प्रॉब्लम क्रिएट कर दें और उसके बाद काम ना करें तो हो गया। तो मुझे लगता है हमारे को इनवाइट करना चाहिए। मतलब दिल्ली में कहते हैं बाहर से बहुत पेशेंट आते हैं, मैं तो लगता है कम आते हैं, और बुलाने चाहिए आपको। भाई दिल्ली के 1000 किलोमीटर दूर से क्यों, पूरे हिंदुस्तान से आने चाहिए, बाहर से भी आने चाहिए, सबको वेलकम करना चाहिए। हमें बिल्कुल मना नहीं। मेरे पास अभी हमने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट की है, 105 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं हमारे, ट्रायल पे चल रहे हैं सारे जगह अभी तक। मतलब जो परमानेंट वाले तो 3 ही स्टार्ट हुए हैं, इस साल के अंत तक 1000 बन जाएंगे। बट क्या होता है कि ये इसका कोई पीछे कोई मॉडल नहीं था, अब मॉडल है नहीं तो चला के देखना पड़ेगा। अब मैंने अपने आप आइडिया बना लिया, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो चलेगा या नहीं चलेगा। अगर एक आदमी किसी बड़े अस्पताल में लिखवा के लाया डॉक्टर से, उसने डॉक्टर की फीस 500-700 रुपये दे दी, अब वो 500 रुपये के टेस्ट बचाना चाहता है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम तभी तो बचाना चाहता है, वरना मैं करा लेता हूँ। तो आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? तो हमें इस माइंड सेट में भी जाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि जो हमारे माइंड सेट ऐसा बन गया है कि हम लोग कोई भी सर्विस अगर देते हैं अगर उसके आगे प्राइस टैग नहीं लगा तो हम एहसान समझते हैं, एहसान कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पब्लिक सर्विस जो है वो पेड है, फ्री नहीं है, और दूसरी तरह से पेड है कि वो एडवांस पेमेंट लेगी। अभी आपके पास कोई बनिए की दुकान, लाला की दुकान हो, आप वहाँ पर मंथली 10,000 रुपये जमा करा दें और आपके बच्चे पैसे सामान लेने जाए तो कहे जी मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ये क्या मतलब? 10,000 पिताजी ने दिए होगी तो हमने टैक्स पहले एडवांस में ले रखा है, हमने पहले से पेमेंट ले ली। अब जब सर्विस देते हैं तो हम एहसान करते हैं, फ्री में कर रहे हैं आपके ऊपर। उसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है कि सर्विस पे ना प्राइस टैग लगाने की जरूरत है। हम कहते हैं कि आपका खर्चा 2,000 रुपये आया, बट 2,000 का पेमेंट आपके टैक्स में से मतलब या गवर्नमेंट ने दे दिया, आप नेट पेमेंट जीरो कर दें, तो सबको लगेगा कि पेड सर्विस थी।
अभी हमारी जो सर्विस दे रहे हैं उनको लगता है कि हम सर्विस एहसान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बस माइंड को चेंज करने वाली बात है, हमारा डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। दिल्ली शहर के अंदर टू माई नॉलेज 50,000 क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, और किसी भी स्टैंडर्ड से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ले लीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड ले लीजिएगा, कम नहीं है। 1.5 करोड़ की आबादी है, तो 50,000 डॉक्टर कम नहीं है किसी हालत में। फिर भी जितने भी सेमिनार्स होते हैं सब जगह कहते हैं डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। अरे भाई, डॉक्टर्स की कमी है पर दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में हम ये कहें कि डॉक्टर्स की कमी है तो मेरे तक कुछ जाती होगी, हमें रैशनली देखने की जरूरत है कि दिल्ली में कमी है या नहीं है। अब जितने सारे डॉक्टर्स हैं, आज हम सरकार के अंदर एक पोस्ट निकाल दें, मैं 10 पोस्ट निकालता हूँ, 1,000 लोग आ जाते हैं, तो कमी कहाँ है? अगर डॉक्टर्स की कमी होती तो कोई भी नहीं आता, एक भी नहीं आता। आज भी लोग प्राइवेट को छोड़ के सरकार में नौकरी छोड़ के वापस आना चाहते हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आता क्यों आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल शेयर करूँगा। एक दिन मेरे घर सुबह सुबह ना एक हमारे अंकल है, वो अपनी बेटी को लेके आ गए, तो कहते जी आप अपने यहाँ पे इसको एसआर लगवा दो। मैंने अच्छा जी, मैंने हमारे तो कम पैसे मिलते हैं, वो बड़े अस्पताल में थे, अभी आपके भी बैठे होंगे बीच जी के अस्पताल में थे। मैंने आपको तनख्वाह क्या मिलती है? कहते 1,15,000 रुपये। मैंने हमारे तो 80,000 मिलेंगे। कहते नहीं, वहाँ पर काम बहुत करना पड़ता है। हम बताओ ये इसका क्या इलाज है? अगर हम ये कहेंगे कि मुझे रेस्ट करने की जगह थोड़ा है, ये आप छुट्टी ले लीजिए और वहाँ पर रेस्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाइएगा। तो ये जो हमने मैं माइंडसेट बना लिया कि पब्लिक के अंदर जो भी चले गए उसके बाद सर्विस डिलीवरी नहीं अच्छी, मुझे लगता है फॉर्चुनेटली मेडिकल सर्विसेज को हम कॉस्टिंग से कर सकते हैं, हर चीज़ की कॉस्टिंग कर सकते हैं, तो हम सर्विस डिलीवरी पे जाएंगे। हम दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर करने जा रहे हैं, जल्दी करेंगे, फर्स्ट दिक्कतें जरूर हैं, क्योंकि आपकी तनख्वाह जो है वो तो हम कम नहीं कर सकते, वो देनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज योर राइट, कहते ना ये जन्म से अधिकार है, उसमें हम अंतरंगा निकाल सकते हैं, तनख्वाह तो मिलेगी, बट अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको इंसेंटिव देंगे, मतलब इंसेंटिव और सैलरी विच एवर इज मोर। जो भी आपने काम किया 2 लाख का, आपकी सैलरी 1 लाख की है तो आपको 2 लाख मिलेंगे। आपने काम किया 10,000 रुपये का, सैलरी 1 लाख है तो आपको 1 लाख मिलेगा, पर साथ में एक लेटर मिलेगा कि आपने काम 10,000 का ही किया है, तो वो पत्र भी साथ में मिलेगा कि 10,000 का काम किया, 1 लाख रुपये हम आपको दे रहे हैं। अब वो कब तक देंगे वो देखना पड़ेगा, फिर पता तो लगे। आज तो क्या होता है, जो ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी लिख लेता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब 10 साल 20 साल ऐसे भी लोग, मेरे पास कंप्लेंट आई एक बारी एक डॉक्टर साहब की, 10 साल से उन्होंने कोई पेशेंट भी नहीं देखा, तो मैंने इंक्वायरी की, मैंने 10 साल कैसे हो सकते, डॉक्टर है 10 साल से भी पेशेंट नहीं देखा? कहते हाँ सर, वो ना एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। तो एक तो मुझे उस दिन झटका लगा, तो हम सरकारी अस्पतालों से जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको ये जो सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन उससे निकालेंगे। 30% हमारी मैन पावर ऑफ डॉक्टर्स इज ओनली मैनेजिंग, और मुझे समझ में क्या मैनेज कर रहे हैं, मतलब हमारे पास लगभग 10,000 के करीब डॉक्टर्स हैं, 9 से 10,000 दिल्ली गवर्नमेंट में। अब सोच के देखिए 3,000 डॉक्टर सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं, 3,000 फुल टाइम नहीं है, मतलब उसमें अगर आपको 4 काम मैनेजमेंट के भी दे दिए तो आपका रोज का आधा का दिन उसमें लग गया, मतलब समझ लीजिए 30% ऑफ डॉक्टर्स टाइम एवरेज गोज इन मैनेजमेंट। तो उसको हम चेंज करेंगे, बाकी प्राइवेट वाले बड़े अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी मैं आपके यहाँ अपोलो में गया था तो मैंने पूछा, वहाँ पे देखा तो उनका ना कॉरिडोर के अंदर एक ऑफिस बना के, वहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैडम मिलती थी, मैंने सोचा ये यहाँ बैठती हैं, मेरे प्लास्टिक के था जी यहीं बैठती हैं। मैंने हमारे यहाँ ये कमरा छोटा पड़ेगा, मेरा एमएस का कमरा देखेंगे आना, तो आपको वहाँ से घुसेंगे तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको पसीना आएगा। तो हम रीडिजाइन कर रहे हैं, सारे हॉस्पिटल को रीडिजाइन कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, विशाल, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं 2 दिन पहले नरेला हॉस्पिटल में गया, उसका टोटल बिल्टअप एरिया 3,20,000 स्क्वायर फीट, और शायद बेसमेंट अलग है उसके अलावा है, और 200-bedded हॉस्पिटल है, दैट इज नॉट ए स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मतलब सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है। अब मैं उसकी स्टडी करा रहा हूँ, मुझे मतलब देखने और सारा घूमने के बाद ये लगा कि ऐसे एरियाज काफ़ी हैं जो साल में 2% टाइम यूज होते हैं या 3% यूज होते हैं। मैंने 10% से कम यूज होने वाले एरिया बनाने, 50% ज्यादा एरिया ऐसे निकलेंगे तो साल में 10% टाइम यूज नहीं होते, तो उसको हॉस्पिटल में उस एक्टिविटी को नहीं होना चाहिए। हमने स्टोर्स बहुत सारे बना रखे हैं,
वहाँ सारे कमरे बना रखे कि ये इसका कमरा है, ये उसका कमरा है, ये कमाल है। टाइम कहाँ मिलता कमरे में जाने का? आप पेशेंट को देखो, अपने घर जाओ, और आपको चाहिए डॉक्टर को बिठाना है या लोगों को बिठाना है, तो बढ़िया सी लॉन्च 5-star लॉन्च बना दो ना उनके लिए, वहाँ पे शॉवर वगैरह लगा दो सब। तो अब हम सारे अपने हॉस्पिटल्स को मतलब स्टैंडर्ड रेज कर रहे हैं, सारे एयर कंडीशन होंगे, सारे बहुत अच्छे बना रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्राइवेट देखे होंगे, आप ही लोगों के स्टैंडर्ड बनाएंगे। बस एक फर्क होगा कि वहाँ पर एक ही तरह के अस्पताल होंगे, एक ही क्लास होगी, प्राइवेट रूम नहीं हो, कोई भी आ जाए, PA आ जाए, CM आ जाए, जो मर्जी आ जाए, उनकी फैमिली आ जाए, तो आपको वार्ड में सबके साथ ही रहना होता। रीज़न क्या है कि जब हम प्राइवेट रूम बनाते हैं सरकार के अंदर, है हमारे यहाँ GTB हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास 85 रूम्स हैं प्राइवेट रूम्स, मैंने एक साल की ऑक्यूपेंसी निकलवाई, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी वाज, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 10, मिनिमम तो 0 भी थी। उसमें कितना सामान लगा रखा है आपने, उसका बिजली का बिल देख लो आप, उसके पूरा स्ट्रक्चर बनाया, बड़ी सी विशाल बिल्डिंग बनाई है, तो वो चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। दूसरा, हम लोग मल्टीपल सर्विस देना चाहते हैं। मुझे भी बड़ा ज्ञान दिया गया जब मैं शुरू में आया, पिछली बार हमारी सरकार बनी थी तो तब मुझे CM साहब के साथ बड़ा ही हमारे डिसीजन में बड़ा दुख हुआ कि देखो इतने गरीब लोग हैं, उनको हम बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं दे पाए, बहुत बेसिक की बात है। तो हमने कहा कुछ करना चाहिए, तो उस टाइम मेरे कुछ दिमाग में नहीं आया, हमारी एक मोबाइल हेल्थ सर्विस है, तो मैंने सोचा कि यार ये आइडिया तो अच्छा है, हम ऐसा करते हैं मोबाइल क्लिनिक बनाते हैं। तो मोबाइल क्लिनिक बना के सभी जितने भी गरीब लोग हैं उनके पास हम मोबाइल क्लिनिक डेली जाएगा। जब उसका ट्रायल रन किया तो फेल हो गया, तो मैंने भी वो तो मिल जाती बाजार से, हमने किसको बोला, उसने लगा दी, बिल्कुल फेल होगा। फेल क्यों हुआ कि इतने ज़्यादा लोग आ गए, मैंने कहा तो मोबाइल क्लिनिक तो चलेगा 10 लोग 20 लोग, मोबाइल क्लिनिक का डेली आपको लाना पड़ रहा है, और डेली वहाँ से 100 लोग आएंगे, तो दिस इज फेल, तो सिस्टम फेल हो गया।